दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो ये मेरा सेकंड फर्स्ट ब्लॉग है। ये लाडो है और लाडो के पापा सो चुके हैं और मैं अपना सारा काम इस घर से करके अब उस घर पे जा रही हूँ ताकि अपने गाय को चारा दे सकूँ। चलती हूँ, अभी लाडो को सुला रही हूँ ताकि ये सो जाए, नहीं तो मेरा पीछा करते करते उस घर पे आ जाएगी। क्यों लाडो, सो जाओ, हमको जाना है गाय को चारा देने। ना, ना। चलो सो जाओ। ना। नहीं सोना? ना। क्यों? ना। हम जाए? ना। आप परेशान करोगे ना हमको? ना। नहीं क्या? मैं जुलू जुलूंगी। तुम जुलो जुलोगे? हाँ। चलो तब। चलो। उठो। चलो। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं उस घर पे गाय को चारा देने। और यहाँ मेरी सास का बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, दो दो तीन तीन दिन से बुखार आ जा रहा है। सारा चेकअप हो चुका है फिर भी उनका तबीयत नहीं ठीक हो रहा है। तो ठीक है, लाइट बंद कर दे रहे हैं। इनको जो है अंधेरे रूम में सोने की आदत है, लाइट ऑफ कर देते हैं। फिर अब चलते हैं उस घर पे। तो चलिए, हम उस घर पे पहुंच के आप सबको अपने उस घर का गाय को दिखाती हूँ, गाय को कैसे मैं चारा डालती हूँ सब दिखाती हूँ। बाय बाय। तो गाइस, हम इस घर पे आ गए हैं। मैं दरवाज़ा बंद कर दूँगी। अब ये देखिए मेरी गाय, ये काली है और एक वहाँ पे दिख रहा होगा लाली, उसका नाम लाली है और उसका नाम काली है। इसका नाम लाली है और मुनमुन कहाँ है? मुनमुन और मुनमुन वहाँ पे बैठी है। अब हम चल रहे हैं गाय को चारा देने। मुनमुन भी और यहाँ पे है। ये चारा चारा यहाँ पर रखा हुआ है। तो अब हम गाय को चारा देंगे। दोस्तों, हमने गाय को चारा डाल दिया है। अब हमारी गाय चारे को खा रही है। देखिए खा रही है। और दादी क्या करत हूँ, क्या करत हूँ? धनिया धनिया वहाँ कहिए खाना ना दिया मैं। अच्छा मग रहा है। देखिए दोस्तों, हमने अपने आंगन में धनिया भी उगाया है और ये इसको ये सब आप सब जानते हैं क्या है? ये मकोए हैं, बड़ा वाला मकोए जो खाने में खट्टा मीठा लगता है, टेस्टी लगता है। तो ये हमारी लाली गाय बहुत मारती है, इससे बच के रहना पड़ता है, चारा भी बच बच के डालना पड़ता है। तो दोस्तों, अब यहीं पे मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। और हमारी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप सब सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे जा पाएंगे और हमें मोटिवेशन भी मिलेगा कि हम भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएं सबकी तरह। तो बाय बाय।